शक्ति कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रिय द्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे राधे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा, जय जय प्रभुपाद 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 शिल प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद। जय ओम नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सतहिज डिवाइन ग्रेस सीसी मत्सिल एसी भक्ति वेदांत जगत गुरु स्वामी शिल प्रभुपाद जी की जय ओम नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सतहिज डिवाइन ग्रेस सीसी मत्सिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज को स्वामी शिल प्रभुपाद जी की गुरुवर्ग वृंद की गुरु परंपरा की समवेत भक्त वृंद की जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति शपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं शाग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्पदेशकारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकांत श्रीराधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवतीरुत्तमा श्लोके भक्तिरभवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं। हरे कृष्णा। मेरा सादर दंडवत प्रणाम। भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है भागवतम के इस सत्र में। हरे कृष्णा। तो भगवान की इंद्रप्रस्थ यात्रा इस अध्याय का शीर्षक है। श्रीमद्भागवतम दसम स्कंध हमें बताया गया 16 श्लोक से, श्लोक संख्या 16 से 20 तक, 14 से 20, 14वें श्लोक से 20वें श्लोक तक। तो 20वें श्लोक की आवृत्ति हम लोग एक साथ करेंगे, बाकी मैं बाकी श्लोक पढ़ता हूँ, उसके अनुवाद और तात्पर्य। ततो रथ द्वीप भट साधि नायके करला करालया परिवृत आत्म सेवया सेनया मृदंग भेरी आनक शंख गोमुखे प्रघोष घोषित कुकुभो निरक्रमत। अनुवाद। ज्यों ही मृदंग भेरी दुंदुभी शंख तथा गोमुख की ध्वनि तरंगों से दिशाएं गूंजने लगी, त्यों ही भगवान कृष्ण अपनी यात्रा के लिए चल पड़े। उनके साथ में रथों, हाथियों, पैदलों तथा घुड़सवारों के सेना दलों के मुख्य अधिकारी थे और चारों ओर से वे अपने भयानक निजी रक्षकों द्वारा घिरे थे। श्लोक संख्या 15। निवाजि कांचन शिविकाभिरच्छतम् सहात्मजः पति मनुषुव्रतययु वराम्बराभरण विलेपनाशजः संसंवृतः निविरशिचर्म पाणिभिः। अनुवाद। भगवान अच्युत की सती साध्वी पत्नियां अपनी संतानों सहित सोने की पाकियों से भगवान के पीछे पीछे चली, जिन्हें शक्तिशाली पुरुष उठाए ले जा रहे थे। रानियां सुंदर वस्त्रों
आभूषणों, सुगंधित तेलों तथा फूल की मालाओं से सजी थी और चारों ओर से सैनिकों द्वारा घिरी थी, जो अपने हाथों में तलवार ढाल लिए थे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी, श्रीधर स्वामी के अनुसार वाज शब्द सूचित करता है कि भगवान की कुछ रानियों को घोड़ा गाड़ियों द्वारा ले जाया जा रहा था। नरस्तुगम महिष करा सतर्यन करेणु भी परे जनवार योषित स्वलंकृता कटकुटिकम्बलाम्बराध्य उपसकरायु अध्युच्य सर्वतः। अनुवाद। उनके चारों ओर खूब सजी धजी स्त्रियां, जो कि राजघरानों की सेविकाएं तथा राजदरबारियों की पत्नी थीं, चल रही थीं। वे पालकियों तथा ऊँटों, बैलों, भैंसों, गधों, खच्चरों, बैलगाड़ियों, ये अलग अलग सवारी है। पहले तो ये मर्सिडीज कार, किसी की कुछ कार, तो मुख्यतः पालकी और ये सारे वाहन हुआ करते थे। बैलगाड़ी हाथियों पर सवार थी। उनके वाहन अपनी अपनी स्थिति के अनुसार, तो हाथियों की सवारी सबसे बड़ी सवारी होती थी उन दिनों। हाथी, घोड़ा, पालकी, जय कन्हैया लाल की। तो उनके वाहन घास के तंबुओं, कंबलों, वस्त्रों तथा यात्रा की अन्य सामग्रियों से खचाखच भरे थे। ये भगवान का ऐश्वर्य है। द्वारका से भगवान कूच कर रहे हैं तो सब उनके साथ चल दिए। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यहाँ पर घर बार के जिन चाकरों का उल्लेख हुआ है, उनमें धोबिने तथा अन्य सहायिकाएँ सम्मिलित हैं। सबके सब चल दिए। ये मछलियाँ मात्राओं में रहती हैं, उतना सब ऐश्वर्य वर्धित होता है। अगले श्लोक। अथो मुनि यदु पतिना सभाजितः प्रभ्य प्रणम्य तमृदि विदधति हायसा निशम्य तदवय वसितम वसितम आरितारिणो मुकुंद सुंदर मुकुंद सुंदर शन निवृतः निवृत इंद्रिय। अनुवाद। यदुओं के प्रमुख श्री कृष्ण द्वारा सम्मानित होकर नारद मुनि ने भगवान को नमस्कार किया। भगवान कृष्ण से मिलकर नारद की सारी इंद्रियां तुष्ट हो चुकी थीं। इस तरह भगवान के निर्णय को सुनकर तथा उनकी पूजा स्वीकार करके उन्हें अपने हृदय में दृढ़ता से धारण करके आकाश मार्ग से होकर नारद मुनि चले गए। 19वां श्लोक। राजदूतम उवाच उवाच इदम् भगवान प्रियणन गिरा मा वैष्ठ दूत भद्रम वो घातश्यामी मागधम मागधम मगध के राजा जरासंध। वास्तव में सब कुछ का उद्देश्य क्या है ना? दुष्टता का दलन करना। तो सब निकल पड़े हैं। सबका एक ही उद्देश्य है कि जरासंध का अगर वध हो गया तो शिशुपाल का वध निश्चित है। तो ऐसी दुष्ट आत्माएं जिनका वध करने के उद्देश्य से भगवान निकल पड़े अपने सभासदों के विचार विमर्श के पश्चात। अनुवाद।
भगवान ने राजाओं द्वारा भेजे गए दूत को मीठे शब्दों में संबोधित किया। हे दूत, मैं तुम्हारे सौभाग्य की कामना करता हूँ। कितना अच्छा भगवान का गुण है, विनम्र बने हुए हैं भगवान। तो भगवान जब इतने विनम्र हैं तो उनके भक्तों को कितना विनम्र होना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं कामना करता हूँ तुम्हारे सौभाग्य की। मैं मगध के राजा के वध की व्यवस्था करूँगा। एक तरह से आश्वासन है ना, भक्त आश्वस्त हो जाता है। भगवान ने भगवद गीता में जो कुछ कहा, नमे भक्तया प्रणश्यति, भक्त आश्वस्त रहता है ना। जो कुछ गीता में कहा वही बात यहाँ पर भगवान कह रहे हैं। और इस तरह से भक्त जन जो हैं निर्भय हो जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि डरना मत। बीसवां श्लोक, इत्युक्तः प्रस्थितो दूतो यथावत अवदित नृपान् ते अपि संदर्शनम् शौरेः तत्तैक्षणायन मुमुक्षवः इति युक्त्वा प्रस्थितो दूतो यथावत अवदत् नृपान् ते अपि संदर्शनम् शौरेः प्रत्यक्षणाय मुमुक्षवः इति युक्तः प्रस्थितो दूतो यथावत अवदत् नृपान् ते अपि संदर्शनम् शौरेः प्रत्यक्षणाय मुमुक्षवः। प्रस्थितो दूतो यथावत अवदत् नृपान् ते अपि संदर्शनम् शौरेः प्रत्यक्षणाय मुमुक्षवः इति युक्तः प्रस्थितो दूतो यथावत अवदत् नृपान् ते अपि संदर्शनम् शौरेः प्रत्यक्षानय मुमुक्षवः इति युक्तः प्रस्थितो दूतो यथावत अवदत् नृपान् ते अपि संदर्शनम् मुमुक्षवः। मुक्ति के लिए उत्सुक होने से हमारे साथ अनुवाद बोलेंगे। इस प्रकार कहे जाने पर दूत चला गया और जाकर राजाओं से भगवान का संदेश सही सही सुना दिया। तब स्वतंत्र होने के लिए उत्सुक वे सभी भगवान कृष्ण से भेंट करने के लिए आशान्वित होकर प्रतीक्षा करने लगे। तात्पर्य मैं यहाँ पर बताया कि महान वैष्णव पंडित स्वामी टीका करते हैं कि परिस्थितिवश सारे राजा एकमात्र कृष्ण पर अपनी दृष्टि जमाए थे। हरे कृष्ण। तो सारे राजाओं को जरासंध ने बंदी बनाया, उनका कोई
ऐसा अपकर्म नहीं था जिसके कारण वह बंदी बनाए। लेकिन भगवान की अद्भुत लीला है, भगवान जरासंध का वध करेंगे, इसके पश्चात ये सारे राजा बंदी राजा उनको मुक्ति मिलेगी। राजा की पत्नियां भगवान से प्रार्थना करती हैं, जितने राजा जरासंध के अधीन थे इन सब राजाओं की पत्नियां आकर हमारा उद्धार करें, स्थापनार्थाय, है ना। धर्म की संस्थापना ही भगवान का एकमात्र उद्देश्य है। तो भगवान अपनी इस दिव्य लीला के माध्यम से हमें समझाना चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो नास्तिक हैं, भगवान की सत्ता का विरोध करने वाले हैं, वास्तव में ये सब जीव दुखी हैं। ये भगवान ने अपने द्वापर की लीलाओं में अनुभव किया, बहुत पुंखानुपुंख तरीके से उन्होंने अनुभव किया भगवान ने, है ना। सारे दुष्टों का भगवान ने क्या किया, दलन किया, है ना। सबसे पहले पूतना आई, नसट का सुनाया, पूतना आई, पूतना का भगवान ने वध कर दिया। हालांकि भगवान के हृदय में क्या इच्छा थी कि पूतना का उद्धार हो, है ना। मातृभाव लेकर पूतना भले ही ना आई हो, लेकिन मातृत्व उसके हृदय के अंदर था। हृदय जब कलुषित हो जाता है तो जीवात्मा जो है अपने स्वरूप को भूल जाता है, है ना। क्योंकि हृदय में बहुत सारे अनर्थ रहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य हृदय के अंदर हैं हमारे, इसलिए यह आसुरिक वृत्ति के कारण जीव नित्य काल से बद्ध अवस्था में रहता है, है ना। इसीलिए जीव को कहा गया नित्य बद्ध, है ना। एक नित्य मुक्त जीव होते हैं जो भगवान के पार्षद बनकर भगवान की लीलाओं में शामिल होते हैं, और एक होते हैं नित्य बद्ध हमारे जैसे लोग, है ना, नित्य काल के लिए बद्ध अवस्था को प्राप्त किए हुए। कारण क्या है, हृदय के अंदर बहुत सारे अनर्थ हैं, इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने क्या किया, नृसिंहदेव भगवान का की पूजा करना श्रील प्रभुपाद ने शुरू किया। प्रभुपाद जी विदेश में अमेरिका में थे और शायद मॉन्ट्रियल में मंदिर में ठहरे हुए थे, तो सब भक्तगण बाहर गए किसी सेवा के लिए, कोई कार्यक्रम था, प्रभुपाद जी नहीं गए, वो मंदिर में रह गए। थोड़ी तबीयत उनकी खराब थी, तो क्या हुआ, कुछ देर के पश्चात एक बड़ा धमाका हुआ मंदिर के अंदर, मतलब किसी ने बम गिरा दिया, तहलका मच गया। हालांकि कोई नुकसान किसी को नहीं हुआ, लेकिन सभी के सभी सहम गए, डर गए, ये मंदिर में बम गिरा है। तो यह अनर्थ की पराकाष्ठा है, साधुओं पर अत्याचार करना, है ना, मंदिर के नियमों का उल्लंघन करना, यह है अनर्थ, सबसे बड़ा अनर्थ, है ना। हमें पता नहीं कि हमारा हित कैसे होगा, है ना। छोटे से बच्चे को पता रहता है, अपनी माँ के साथ जुड़ा रहता है, लेकिन कहीं माँ उनको साथ लेकर चलती है तो माँ कोई कार्य करती है, किसी जगह जाती है वहाँ सब कुछ देखने के लिए, लेकिन माँ उसको हमेशा गोद में रखती है, है ना। नीचे उतरेगा तो शरारत करेगा, कहीं इधर उधर चक्कर में पड़ जाएगा, खो जाएगा, है ना। तो माँ उसको निरंतर क्या करती है, अपने गोद में बांधे रखती है, लेकिन शिशु को पता नहीं, वो सोचता माँ कितनी हमारी निष्ठुर है, हमको खेलने के लिए नहीं देती है,
कभी कभी बच्चे थोड़े छोटे से बड़े हो जाते हैं, 2-3 साल के हो जाते हैं, 2.5-3 साल के, बोलने भी लगते हैं, बड़े तुतली बोली बोलते हैं ना, बड़ा अच्छा लगता है ना। लेकिन माँ उसको स्वाधीनता नहीं देती। इसी तरह से भगवान चाहते हैं कि जीव का जो जीव के हृदय में जो अनर्थ है उसकी निवृत्ति हो। तो श्रील प्रभुपाद जी ने नृसिंहदेव की पूजा करना शुरू किया। प्रभुपाद जी ने कहा कि अभी हमारा ये जो संघ है, हमारी ये जो सोसाइटी है, यह प्रचार प्रसार बहुत अच्छी तरह से हो रहा है, लोगों को ईर्ष्या होगी, है ना, ईर्ष्यावश लोग इसको सहन नहीं कर पाएंगे, है ना, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, नृसिंहदेव की पूजा शुरू कर देनी चाहिए, है ना। तो हमारे सारे मंदिरों में नृसिंहदेव की पूजा होती है, है ना। हालांकि कुछ भक्तों ने थोड़ा दुख व्यक्त किया कि ऐसे भगवान को हम कैसे ऑल्टर में रखेंगे, है ना, तो ऐसे भी विदेश में तो उनका कंसेप्ट ये समझ में नहीं आया उनको कि किस तरह से हिरण्यकशिपु को अपने गोद में रखे हुए और अपने नख से उसको विदीर्ण कर रहे हैं, अंदर से इंटेस्टाइन है, सब अतड़ियाँ निकल रही हैं, और वो चीख चिल्ला रहा है ना, ऐसा है ना दृश्य। तो लोग कहने लगे कि अरे ऐसे फोटो अगर हम ऑल्टर में रखेंगे तो जो लोग आएंगे भक्त लोग और भी कृपालु है ना, कि जो लोग आएंगे देख कर ही भाग जाएंगे। तो उन फोटो को पीछे रख दिया प्रभुपाद जी के अनुपस्थिति में। फिर प्रभुपाद जी आकर देखते हैं क्या बात है, फोटो नहीं है। तो बोले क्या हुआ ना, उस फोटो को हमने ऑल्टर के पीछे रख दिया। देखिए तो प्रभुपाद जी बोले कि बोले कोई देखेगा तो डर जाएगा, डर लगता है इस फोटो से, इस फोटो को देखकर। तो प्रभुपाद जी हंसने लगे, उन्होंने समझाया, इस लीला को समझाया। तो इस तरह से भगवान की ऐसी मनोदशा, भगवान चाहते हैं कि जीव का उद्धार हो, लेकिन वो किस प्रकार उन्होंने उद्धार किया, दुष्टों का दलन किया, है ना, वध करके भी उद्धार हुआ ना, लेकिन भगवान को पूर्ण संतोष नहीं हुआ। कोई भी ऐसा असुर नहीं था जिनका भगवान ने वध नहीं किया, है ना, सबका वध किया ऑलमोस्ट, स्वयं और बलराम जी भी साथ में, प्रलम्बासुर इत्यादि का बलराम जी ने भी किया, देनुकासुर का भी शायद बलराम जी ने, तो सारे असुरों का वध करके भगवान को परम संतोष नहीं हुआ, है ना, पूतना को मातृगति दी भगवान ने, लेकिन फिर भी संतोष नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ कि द्वापर के बाद कलयुग आएगा, कलयुग के लोगों का क्या हाल होगा, है ना, भगवान को अत्यंत करुणा हुई, है ना, करुणा के वशीभूत होकर भगवान अपने इस सुंदर स्वरूप में चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप में आए। उन्होंने अपने इस आने के 3 उद्देश्य मुख्य तक बताए जाते हैं। तो वास्तव में उसमें एक उद्देश्य था कि जीवों का उद्धार करना, कलयुग में हरिनाम कीर्तन का प्रचार करना, हरिनाम का संकीर्तन, और जीवों को वध किए बिना कैसे उसका उद्धार किया जाए, ये अत्यंत करुणा उनके हृदय में थी, चैतन्य महाप्रभु के हृदय में। तो चैतन्य महाप्रभु ने वध किए बिना हृदय के अंदर जो असुरत्व है उसका नाश किया, है ना, हम सभी जानते हैं। तो किसी को भी उन्होंने छोड़ा नहीं, हालांकि मायावादी सन्यासी थे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मायावादी भाष्य सुनिले होय सर्वनाश, बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु, है ना, कि अपने भक्तों को आगाह करते हैं
कि कभी भी मायावादी भाष्य मत सुनना। अद्वैत आचार्य ने अपने टोल में, अपनी पाठशाला में मायावादी भाष्य का विस्तार से वो चैतन्य महाप्रभु को आकृष्ट करने के लिए गुण कीर्तन करने लगे। मायावादी मायावादी सिद्धांत को क्या करने लगे, उनको उनका गुण कीर्तन करने लगे ताकि चैतन्य महाप्रभु उनके पास आए। ये भी एक उनकी लीला थी अद्वैत आचार्य प्रभु की, कि महाप्रभु मायावादी के विरुद्ध पूर्णतया विरुद्ध थे, अपने अनुगामियों को कभी भी मायावादियों के संस्पर्श में आने का उन्होंने बहुत इस तरह से अपने भक्तों को निषेध किया। बाद में अद्वैताचार्य प्रभु को उन्होंने दंड दिया, जो अद्वैताचार्य प्रभु चाहते थे कि महाप्रभु हमारे पर रुष्ट हों और रुष्ट होकर मुझे दंड दें, है ना। ये असीम अनुकंपा महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य प्रभु के ऊपर वर्षित की। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने सबका उद्धार किया, ये मायावादी सन्यासियों का भी उद्धार किया, है ना। मैं एक बहुत सुंदर गौर गोविंद महाराज का बहुत सुंदर एक प्रसंग है, उन्होंने बहुत सुंदर बात कही यहाँ पर, मैं उसको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। गौर गोविंद महाराज की जय। जो उन्होंने चैतन्य चेतामृत के आदि लीला सातवें अध्याय के 54 नंबर परिच्छेद कह रहे हैं गौर गोविंद महाराज इस श्लोक को, कि सकल सन्यासी मुई कोइनु निमंत्रण तुम्ही यदि आईसो पूर्ण है मोर मन। एक ब्राह्मण है जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण किया, कहा कि आप मेरे घर में आकर दोपहर का भोजन लेंगे। महाप्रभु का यह नित्य नियम था, कभी दक्षिणार्थ ब्राह्मण, कभी और कहीं, सब अपने अपने घरों में महाप्रभु को दावत देते, महाप्रभु सबके ऊपर कृपा करने के लिए जाते, उनके यहाँ भोजन ग्रहण करते, स्नान आदि करते। तो ये ब्राह्मण कहता है कि सकल सन्यासी मुई कोइनु निमंत्रण, मैंने सारे सन्यासियों को बुलाया। ये वाराणसी का ब्राह्मण था, बनारस का ब्राह्मण। तो उस समय बनारस में स्मार्त ब्राह्मण थे, सॉरी सन्यासी जो थे मायावादी सन्यासी थे, है ना। तो सबको उन्होंने निमंत्रण किया, मायावादी सन्यासियों को, और फिर चैतन्य महाप्रभु कहा कि आप भी हमारे घर में पधारिए, भोजन ग्रहण कीजिए। तुम्ही यदि आयशो पूर्ण है मोर मन, हमारा मन तृप्त होगा, क्योंकि एकमात्र वैष्णव सन्यासी चैतन्य महाप्रभु थे, है ना। उनकी कृपा की उन्होंने भिक्षा की कि आप नहीं आएंगे तो ऐसा एज इफ वो कह रहे हैं कि मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा, क्योंकि सब मायावादी सन्यासी हैं, लेकिन मैं आपको निमंत्रण कर रहा हूँ, तो कृपा करके मेरे मन को आप तुष्ट करें और मेरा ये निमंत्रण स्वीकार करें। फिर आगे और कह रहे हैं, उनको पता है, सारी बातें बता रहे हैं। ना जाहो सन्यासी गोष्ठी यामी जानी मोरे अनुग्रह करो निमंत्रण मनी। कह रहे हैं कि मुझे पता है कि बनारस के जो भी सन्यासी हैं उनकी गोष्ठी में कभी आप भाग नहीं लेते, कभी उनके साथ नहीं बैठते, कभी उनका संग नहीं करते, ये मुझे पता है। मुरे अनुग्रह करो निमंत्रण माने, लेकिन मेरे ऊपर विशेष आप अनुग्रह कीजिए, मेरा निमंत्रण आप जरूर स्वीकार कीजिए। इस तरह से अनुनय विनय करने लगे, कौन, वह ब्राह्मण व्यक्ति। हाँ,
फिर आदि लीला के अगले श्लोक में प्रभु हसी निमंत्रण कोइला अंगीकार सन्यासी रे कृपा लगी ए भंगी तहार। वास्तव में महाप्रभु की लीला थी, महाप्रभु चाहते थे कि कोई ब्राह्मण मुझे बुलाए, है ना, बनारस का ब्राह्मण, हाँ, बहुत उद्देश्य था कि इनका तो हम उद्धार करेंगे, है ना, ये उनका गूढ़ उद्देश्य था। तो महाप्रभु हंसने लगे और उनके निमंत्रण को अंगीकार किया, स्वीकार किया। तो कह रहे कि सुनना श्रे कृपा लागी ए भोंगी तहार, सन्यासियों के ऊपर भी कृपा करने के लिए चैतन्य महाप्रभु उद्यत हैं, है ना। सबसे बड़ा अपराध क्या है कि स्वयं को भगवान कहना, है ना। मायावादी सन्यासी क्या कहते हैं, अगर उनकी दीक्षा होती है सन्यास दीक्षा तो मतलब वो नारायण बन गए, है ना। तो ये अपराध है, है ना, भगवान के चरणों में सबसे बड़ा अपराध है कि नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु उनके ऊपर कृपा करने के लिए ये सारा इंतजाम महाप्रभु ने किया। आगे कुछ प्रसंग यहाँ पे बता रहे हैं गौर गोविंद महाराज। जोनस गौर गोविंद महाराज कह रहे हैं कि महाप्रभु कृपा अपरिहार्य, बहुत आवश्यक है महाप्रभु कृपा। महाप्रभु कृपा के बिना किसी का उद्धार हो नहीं सकता, विशेषकर कलयुग के जीव तो बिल्कुल अधम स्थिति में है, है ना। इसीलिए कह रहे हैं कि अपरिहार्य। बंगला में पढ़ता हूँ, हाँ ठीक है ना, सबको बंगला ही समझ में आता है, हाँ जब हमको समझ में आता है तो सबको समझ में आएगा। श्री चैतन्य महाप्रभु आमादेर के मायावादी देर संग एवं तादेर दर्शन श्रवण करते कठोर भावे निषेध करेछेन। मायावादी भाष्य सुनिले हय सर्वनाश, अर्थात केउ जदि मायावादी भाष्य शुने ताहले तार सर्वनाश हय, तार भक्ति वृत्ति सब विनष्ट हय। जे पर्यन्त तादेर ओपर भगवान श्रीमन महाप्रभुर अहैतुकी कृपा বর্ষিত না হচ্ছে সে পর্যন্ত এই মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা কেমন করে উদ্ধার পাবে। তার জন্য শ্রীমন মহাপ্রভুর কৃপা কেবল অপরিহার্য, তা না হলে তারা উদ্ধার হতে পারবে না, অসম্ভব। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সকলকে কৃপা করার জন্য এসেছিলেন, खाली जगाई मदाई का उद्धार नहीं किया, जगाई मदाई से भी निकृष्ट व्यक्तियों का महाप्रभु ने उद्धार किया। ताते केउ बात पड़बे ना, कोई नहीं छूटेगा। टॉर्च लाइट से महाप्रभु ने सब जगह को ढूंढा है, कहाँ कहाँ अंधेरा है सब जगह को उन्होंने प्रकाशित किया है, आलोकित किया। तीन छिलेन अद्भुत बदान्न, सबसे बड़े दाता भगवान चैतन्य महाप्रभु, अद्भुत कारुण्य भगवान की जो करुणा है अद्भुत है चैतन्य महाप्रभु की, अद्भुत उदार जो मयो विग्रह, ये जो भगवान चैतन्य महाप्रभु का जो श्री विग्रह है अद्भुत, कह रहे हैं कि करुणामय परम उदार्यमय। ताई तिनी स्थावर जंगम, झारखंड के जंगल में चैतन्य महाप्रभु नित्य कीर्तन करते हुए, हरे कृष्ण कीर्तन करते हुए जा रहा है ना, सब उन जीवों का जो स्थावर जंगम आदि है सबका उद्धार करते हुए, सब नृत्य कर रहे हैं, सब नाच रहे हैं, भगवत धाम को उनका भगवत धाम में प्रत्यावर्तन हो रहा है ना। आदि समस्त प्रकार जीवर ऊपर तार कृपा बारी वर्षण करेछिलेन, তাহলে এই মায়াবাদীরা কেন এই গৌর কৃষ্ণের কৃপা থেকে বঞ্চিত হবে, হ্যাঁ না, ইয়ে কেউ বঞ্চিত হবে,
ये भी तो आपकी संतान है, आपकी जीव है ना। ताई तादे कृपा करार जन्म श्री चैतन्य महाप्रभु काशीते अवस्थान पूर्वक तादेर समालोचना, वो निंदा करते हैं है ना, चैतन्य महाप्रभु नित्य कीर्तन करते हैं, अपराध करते हैं उनके चरणों में है ना। लेकिन उनका स्वयं चैतन्य महाप्रभु इसका अपराध नहीं लेते, लेकिन उनके जो पार्षदगण हैं वो उनका अपराध लेते हैं है ना। तो कह रहे कि उनकी समालोचना होती नीरवे, सब उसकी आलोचना, जैसे कोई व्यक्ति होता है ना विशेष कोई बात होती है तो बीच में हम लोग थोड़ा आलोचना करते हैं ना अपना, तो इस तरह से उनके बारे में बता रहे हैं। कह रहे कि सारी समालोचनाएं नीरवे शांत होकर सह्य करे, केवल ईशत हास्य करे छिलें, ईशत मंद मंद मुस्काए है ना, किंतु तार से ही निंदा तार अनुगामी महान भक्तों का अत्यंत असह्य एवं दुर्विषह, जिसको सहन नहीं कर पा रहे थे, असहनीय तारा अत्यंत मनोकष्ट पे चिलें, उनका मन जो है बहुत कष्ट उनके मन में था है ना। चैतन्य महाप्रभु के चरण में कोई अपराध करता है और हम सामने बैठे हैं है ना, তাই তাদেরকে আনন্দ দেওয়ার জন্য শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু মায়াবাদী দর্শন উপযুক্ত শাস্ত্র যুক্তির মাধ্যমে উনকো লেকর এক সভা কি আর সভা মে উনকে সাথ শাস্ত্রার্থ কিয়া আর উনকো পরাভূত কিয়া, উপযুক্ত শাস্ত্র যুক্তির মাধ্যমে খণ্ডন করার জন্য ইচ্ছা করলেন। এইভাবে তারই পরম ইচ্ছার প্রভাবে একটি সন্ন্যাসী সভার ব্যবস্থা হয়েছিল। ইয়ে চৈতন্য মহাপ্রভুকে খুদকে ইচ্ছা দি হ্যাঁ। আব বহুত সুন্দর বাত ইহাঁ বতা রে কি ভগবান কৃষ্ণ, ভগবান কে বারে বতা রে, কৃষ্ণের ইচ্ছাই পরম ইচ্ছা। কৃষ্ণ পরম পুরুষোত্তম ভগবান হ্যাঁ, জেসি ও ইচ্ছা করেঙ্গে उसके अनुसार कार्य होगा, कृपा करेंगे जो भी कुछ करेंगे इच्छा के अनुसार होगा। तो कह रहे चैतन्य महाप्रभु वचन परम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण स्वयं है ना, पराश्र शक्ति विविध श्रूयते, अर्थात तिनी विविध विविध अचिंत पराशक्तिर आधार, सेगुलिर मध्य एक हे इच्छा शक्ति এবং অন্য আর একটি শক্তি হচ্ছে কৃপা শক্তি। এই দুটি শক্তি রয়েছে ভগবানের, তাই ইচ্ছা শক্তি হচ্ছে আধার, সেই আধারের বশীভূত হয়ে তার কৃপা শক্তি। পরমেশ্বর ভগবান যা ইচ্ছা করবেন তাই ঘটবে, তিনি হচ্ছেন পরম শক্তিশালী, তার পরম ইচ্ছা আছে এবং তাই তিনি সর্বতোভাবে পরম। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃষ্ণের ইচ্ছাই পরম ইচ্ছা, কেবল তারই ইচ্ছাই সর্বতোভাবে কার্যকারী হয়, এমনকি শ্রী বলরামের ইচ্ছাও অনেক সময় কার্যকারী হয় না। বলরামজি চাহতে থে কি করমকে সাথ উনকা সম্বন্ধ বনা রে, ইহা থেকে আপনি বহনকে ভি বিবাহ করনা চাহতে থে দুর্যোধনকে সাথ, तो भगवान को प्रस्ताव भी दिया कृष्ण को, लेकिन उस प्रस्ताव को उन्होंने स्वीकार अंदर से नहीं किया, ऊपर से हाँ भी नहीं कहा है। तो भगवान की इच्छा थी कि उनका विवाह अर्जुन के साथ हो है, दुर्योधन के साथ ना हो। तो बलराम जी की इच्छा कार्यकारी नहीं है जब तक भगवान इच्छा नहीं करेंगे है। तो अभी देख रहे हैं, अभी दूसरा यहाँ पे सुंदर बात बता रहे हैं महाराज कि कृपा शक्ति स्वतंत्र भावे कार्य करे। टाइम हो गया हाँ, आज लगता है यहाँ पे समाप्त करना होगा हाँ, तो मैं थोड़ा बता देता हूँ भगवान की जो कृपा शक्ति है हाँ, चैतन्य महाप्रभु की जो कृपा शक्ति है वह इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भरशील नहीं है ना। भगवान हर किसी को कृपा कर सकते, इसीलिए महावदान्ना अवतार भगवान का है। उनकी जो
स्वतंत्र जो कृपा शक्ति है वह इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भरशील नहीं है, इच्छा करेंगे तब नहीं, हर किसी को ये कृष्ण प्रेम वो उन्होंने प्रदान किया। ठीक है, कोई प्रश्न है? मैं समय 5 मिनट ज़्यादा हो गया, थोड़ा लेट भी हो गया था आज आने में, है ना। ओके, कोई प्रश्न है किसी का, भक्तों का? नहीं तो आप कुछ बोलेंगे, आप कुछ बोल सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटिवैष्णववृंद की नताय गौर प्रेमानंदे श्रीगोपाल की जय।